धनबाद के बीसीसीएल अग्नि प्रभावित भू धसान क्षेत्र में गोफ घरों का जमींदोज होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कतरास थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत न्यू आकाश किनारी कोलियरी के जीटीएस आउटसोर्सिंग कंपनी के समीप 20 पटिया बस्ती में एक बड़ा हादसा हुआ है। केलूडी में स्थित जीटीएस आउटसोर्सिंग कंपनी के पास स्थित 20 पटिया बस्ती में एक घर अचानक पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में घर में रखे कई कीमती सामान और पशु गोफ में समा गए। वहीं घटना में पीड़ित परिवार का करीब 1.5 लाख रुपए का जेवरात, टीवी, फ्रिज, पलंग, अनाज के साथ 4 बकरियां गोफ में समा गई। हालांकि घर के सदस्य इस घटना में बाल बाल बच गए, लेकिन पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार समेत स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल के जीएम जीएस साहा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान से में बसाने और सरकारी नियम अनुसार राशि देने का आश्वासन दिया है। आपने फिक्र किया है, पूरा नुकसान हुआ, सामान भी है, इसको टोटल गहना जोर चल गया मेरा। अच्छा, मेरा अथी भी चल गया, टीवी पलंग अलमारी फिर सब चल गया, सर कहाँ रहेगा मेरा दमार, बच गया अभी रात को गया था, हम छठ कर रहे थे तो रोके तो नहीं रहा सर, नहीं रहा इसलिए ऐसा हो गया। इतना सामान दिया, हाजिरी खट खट के इतना सामान दी, हम अपने से लेके दिए सर 1.5 लाख के, और इसका अलग था तो छोड़ दीजिए, टीवी था, पलंग था, कासा पितर था, चाव कुछ घटना घटा बताइए। सब कुछ चला गया सर। कहाँ चला गया? नीचे गिर गया। कैसे कैसे गिरा? धस गया पूरा। कैसे धसा, मालूम है कुछ? अपने से धस गया पूरा, चाल गिर गया। चल गया, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब चीज है, लंग पलंग है, खाना पीना जितना सब सब था, सब चला गया, बकरी छकरी जितना सब चला गया। कितना का नुकसान हुआ है अभी अंदाज़? कितना का होगा नुकसान? 1 लाख के होगा। कोई अधिकारी लोग आया था भेंट करने के लिए? आया है सर। क्या बोला लो? खाली को वाटर अभी दे रहा। और कुछ नहीं बोला अभी? नहीं बोल रहा कि पहले के घर दे। उससे बार कोई कोई और जनप्रतिनिधि कोई नेता होता भेंट करने आया अभी? कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बीसीसीएल के लीज होल्ड के अंतर्गत कोयला खदान क्षेत्र है। इसमें जो भी अनधिकृत अतिक्रमण करके घर बना करके रह रहे थे, इन लोगों को हम लोग नोटिस दिए हैं, कई बार नोटिस दिए हैं। थाना का भी रिक्वेस्ट आग्रह था ग्रामीणों से कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये भूदर्शन क्षेत्र है। उससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में भूदर्शन हुआ है। हम लोग को तरफ से बार बार आग्रह रहता है, पर पता नहीं किस वजह से लोग नहीं जाना चाहते हैं। यही ग्रामीण से आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे हमारे जो क्षेत्र हैं कहाँ इन लोग को शिफ्ट करके बसाना है वो भी इन लोगों को दिखा दिया गया है। और जो सरकारी अनुदान है बीसीसीएल की तरफ से, सारे के सारे अनुमोदित है, इसीलिए जो भी सहायता बीसीसीएल को करना चाहिए जरूर करेंगे। ऐसा घटना देख रहे हैं जो कि भगवान के दया से, छठ मैया के आशीर्वाद से कोई जान की नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि ये क्षेत्र से कृपया हटने की कष्ट करें और जहां पुनर्वास होना है वहां जाए, क्योंकि हमारे ज़मीन बीसीसीएल के ज़मीन है। हम लोग जानते हैं ये फायर अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, असुरक्षित क्षेत्र है, तभी तो हम लोग नोटिस दिए हैं। और थाना में कई बार मीटिंग भी हुई है हम लोग को। इससे पहले आप लोग को याद होगा कि पूर्व साइड में फायर के जोन में एक घर का ये हुआ था, अभी तक वो हटा नहीं, जबकि जिस घर का हुआ था उस घर को तो तुरंत तत्काल हट जाना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में फिर वही बात है कि हमारी तरफ से बीसीसीएल के प्रबंधन की तरफ से सबसे आग्रह है कि आपने जान को बचाने की कष्ट करें, जान रहेगा तो जहान रहेगा, जान को आप लोग खतरा मत बनाएं। फिलहाल जो है जो प्रभावित है इसको हम लोग तत्काल कहीं बसाने के लिए बात कर रहे हैं, और जो बाकी लोग भी हैं उन लोगों को जहां बसाने के लिए दिए हुए जगह वो अपने बनाने के काम शुरू करें।